सो बेसिक कॉन्सेप्ट को ही आगे लेके चलते हैं इस मॉड्यूल के अंदर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ कस्टम यूनियन यहाँ पे लाइक फ्री ट्रेड एरिया आपके पास कोई ट्रेड या ट्रेड uh, बैरियर्स नहीं होते चाहे वो इन फॉर्म ऑफ टैरिफ हों चाहे इन फॉर्म ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स हों प्लस इसमें यह किया जाता है कि आपके पास ट्रेड uh, पॉलिसीज को भी एक जैसा रख लिया जाता है अल्टीमेटली uh, इस यूनियन का मकसद ये होता है कि आप यू कैन शो द स्ट्रेंथ आप एक चीज कंट्रीज आपस में मिलते हैं और वो इतने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्लोज होते हैं कि वो एक ऐसे सिस्टम की तरफ जाते हैं जहाँ पे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एज अ सिंगल एंटिटी शो करवाना चाह रहे होते हैं दैट वाज ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द कस्टम यूनियन जहाँ पे आपके पास यूरोपियन यूनियन एक uh, बेहतरीन एग्जांपल है कस्टम यूनियन की जहाँ पे आ, हर कंट्री जो इसका सिग्नेटरी है कस्टम यूनियन का यूरोपियन नेशन के अंदर जिसे आप यूरोपियन यूनियन कहते हैं उसकी सारी जो ट्रेड है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो सब कंट्रीज़ की सेम है लाइक like, जो टर्म्स अगर सपोज जर्मनी रखे हुए हैं वही इटली ने भी वही रखे होंगे वही ग्रीस ने भी वही रखे होंगे तो आपके पास जो कस्टम यूनियन का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आ, इस तरह से पूरा होता है आपके पास सब नेशन एज ए एंटिटी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देख रहे होते हैं इस केस के अंदर जो आपके पास जो आ, आ, स्टेटस लिया था आ, कस्टम यूनियन का दैट वाज इन 1957 जहां पे आपके पास आ, ये यूरोपियन यूनियन बनी थी और लेटर ऑन काफी कंट्रीज़ ने यूरोपियन कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया था नेक्स्ट लेवल इज कॉमन मार्केट जहां पे तमाम करेक्टरिस्टिक्स पूरी होती हैं जो अभी तक हम हर तरह की फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में देख चुके हैं प्लस एक और चीज़ यहाँ पे की जाती है कि आ, आपके पास मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज़ सो ईज़ी लाइक आपके पास फ्री मूवमेंट होती है अगर आप आ, किसी यूरोपियन यूनियन एक यूरोपियन यूनियन इसकी बेहतरीन एग्जांपल है वंस अगेन अगर आप किसी एक कंट्री में रहते हैं और इफ़ यू वांट टू गो टू एड कंट्री फॉर वर्क यू कैन गो विदाउट एनी वीज़ा एंड ऑल दैट्सट्रा तो आपके पास एक ही कंट्री के अंदर रह के आप किसी दूसरी कंट्री में काम करते हैं और वापस आ जाते हैं अपनी कंट्री में दैट इज़ वेरी सिम्पलेस्ट फॉर्म जहाँ पर आपके पास कॉमन मार्केट इस्टेब्लिश होती है और जो फैक्ट्री प्रोडक्शन है वो आपके पास कॉमन है अब यू कैन इमेजन दैट कि आप जब कंट्रीज आपस में पूल करती हैं रिसोर्स तो वहाँ पर जो कुछ कंट्रीज ऑब्वियसली किसी एक चीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन करती होंगी कोई दूसरी चीज़ में करती होंगी तो वहाँ पे मार्केट ओवरऑल ग्रो करती है तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे यही था कि फ्री वर्ल्ड की तरफ जाया जाए या फ्री ट्रेड की तरफ़ देखा जाए और इसके नेक्स्ट लेवल पे चलते चलते ये भी स्टेज आई कि आपने फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल भी अलाउ किया कि अगर आप इंडस्ट्रियस्ट हैं किसी एक कंट्री के और किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं तो जो बहुत सी रिस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ती थी पहले इन्वेस्टर्स को वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब वो नहीं फेस करनी पड़ती ख़ासतौर तो पे यूरोपियन यूनियन में अब वो फ्रीली मूव करते हैं नेक्स्ट फॉर्म इज़ इकोनॉमिक यूनियन ये इससे भी नेक्स्ट लेवल का कोऑर्डिनेशन uh, है या इंटीग्रेशन है ख़ासतौर पर इकनॉमिक इंटीग्रेशन कि जहाँ पर आपके पास यूनिफॉर्म सॉर्ट ऑफ मॉनेटरी एंड फ़िजिकल पॉलिसीज भी होती हैं मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज को uh, आप ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं जिसमें आप फॉर अंडरस्टैंडिंग ये समझ लें कि आपकी इकोनॉमी को चलाने के लिए आपके पास दो मेजर पॉलिसीज होती हैं वन इज़ मॉनेटरी पॉलिसी एंड अदर वन इज़ फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आप सेंट्रल uh, बैंक जो होते हैं किसी नेशन के वो उस कंट्री uh, को स्टेबलाइज करने के लिए या ग्रोथ के लिए या कोई भी अनफॉर्सिन uh, कोई इवेंट्स होते हैं उससे बचाने के लिए मनी को इस्तेमाल करते हैं पैसों को इस्तेमाल करते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी जो आपके पास फिजिकल पॉलिसी है वो स्टेट लेवल की होती है स्टेट वहाँ पे इन्वॉल्व होती है और टू uh, समस्टेंट वो थ्रू टैक्सेस थ्रू सब्सिडीज़ uh, जो लोगों को फ़ायदा भी देती है और बात उनसे पैसे लेती भी है लाइक like, अगर आपके पास बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है तो स्टेट आपके पास टैक्स बढ़ा सकती है अगर हालात बुरे हैं जैसे कोविड नाइन्टीन के दिनों में जब पूरी दुनिया में हालात बुरे थे तो फिजिकल पॉलिसी के थ्रू लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रांसफ़र पेमेंट्स की गई घर बैठे हुए लोगों को पैसे मिले तो इस केस के अंदर अगर हम इकोनॉमिक यूनियन की तरफ वापस आते हैं तो कंट्रीज इस लेवल तक इंटीग्रेट करती हैं आपस में कि वो आ, मिल के अपनी मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी बनाती हैं और वन ऑफ़ द बेस्ट एग्जाम्पल इस पेनोलैक्स जहाँ पे आपके पास बेल्जियम नदरलैंड एग्जम्बर्ग में मिल के आ, अपनी मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी सेट करते हैं आ, इसी तरीके से आ, पिछले कुछ डेकेट्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर वो है ड्यूटी फ्री जोन्स और फ्री इकनॉमिक जोन्स ये आ, एक स्पेशल एरियाज बनाए जाते हैं फॉर द इन्वेस्टर्स ये ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में बनाए जाते हैं पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करते हैं चाइना में बहुत ज़्यादा ये मौजूद हैं एंड बंगलादेश इंडिया जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे ये इकोनॉमिक ज़ोन्स बनाए जाते हैं और इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट किया जाता है उसके अंदर ये एक आ, बड़ी एक लोक्रिएटिव सी ऑप्शन होती है कि यू विल बी प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल एंड एनी सॉर्ट ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन एट अ ड्यूटी फ्री रेट दैट मीनस कि अगर मैं किसी एक कंट्री में जाता हूँ और वहाँ पे आई वांट टू एस्टैब्लिश अ प्लांट तो उस स्टेट मुझे ये फैसिलिटेट करती है कि वो मुझे ये कहती है कि अगर आपको uh, कोई इनपुट चाहिए तो आपको वो टेरिफ फ्री फॉर्म में आप इंपोर्ट कर सकते हैं या आप यहाँ पे सपोज uh, लगा सकते हैं आपका यहाँ पे कोई टैरिफ नहीं होगा दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड दिस फॉर्म इज क्वाइट फेमस इन द डेवलपिंग कंट्रीज वेयर इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टेड कंट्रीज वेयर लेबर इज चीप एंड प्लस दीज डेवलपिंग कंट्रीज आर प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ वेयर इन्वेस्टर कैन हैव ड्यूटी फ्री सॉर्ट ऑफ इनपुट्स एंड मैक्सिमाइज मैक्माइज प्रॉफिट तो अल्टीमेटली इस सारी ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू जो है वो नेशंस एक दूसरे के करीब आ रही हैं अब इसके कुछ फ़ायदे भी होंगे कुछ नुकसान भी होंगे वो हम आ, नेक्स्ट मीडियल्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि इकनॉमिक इंटीग्रेशन किस तरीके से कंट्रीज़ को अफेक्ट करती है ओवरऑल